गंदी नाली के कीड़े। ओ बॉस, इतने हो गए हमारे घर के बाहर भाई साहब, गंदी नाली के कीड़े इतने हो गए, एमसीडी वाले कुछ नहीं कर रहे। मैंने इसलिए आपको फोन किया यार, मोहल्ले में रहते हैं हम। कौन भाई? मैं सर आपके पड़ोस में हूँ आपका, मैं सभी को ये सोसाइटी वालों को फोन कर रहा हूँ। सर आप आगे देखो, इतने गंदी नाली के कीड़े हैं, मैंने 2 बार कंप्लेंट करी है एमसीडी में, एक आदमी नहीं झाका अभी तक। ये तो बात आप सही कह रहे हैं। आप नहीं, मैं आपको फिर फोन करूंगा, मैं दोबारा कंप्लेंट कर रहा हूँ। मैं अभी कई है हमारे इश्यूज हमारी सोसाइटी के, आप फोन उठा लेना, मैं सबको फोन कर रहा हूँ। ठीक है सर। हेलो, बीवी के टुकड़ों पे पलने वाले ओ बहन, ऐसे लोगों से मैं, गुप्ता जी पहले इनसे बात कर लो। हमारी सोसाइटी में 2 लोग हैं ऐसे जो बीवी के। सर मैं आपको दोबारा, मैंने जो अभी फोन किया था आपको, सर ये गलत बात लगती है ना कि वाइफ ही पैसा कमाए, वाइफ ही सब कुछ करे। भाई आप भी तो करो ना कुछ। तो यार अब बात तो सही तरीके से करो आप। मैं तो सही बात, सर मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, मैं ये नहीं बात, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूँ, इतने इश्यूज हैं आज मेरे को सारे क्लियर करने हैं। ठीक है सर, ठीक है। हेलो छिछोरे, अब इसके बाद कौन सी बात जोड़नी बाकी बच गई भाई? कोई बात नहीं जोड़नी, ये तो असलियत में कह रहा हूं मैं। अरे वो बहन के लिए फोन काट इसका यार। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं एडवोकेट बंसल बोल रहा हूँ पटियाला हाउस से। पटियाला हाउस से? हाँ जी, मेरी बात सुनिए। ये पटियाला हाउस के बाहर खड़े होके मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। मैं असल में अपनी वाइफ का रिचार्ज करा रहा था मोबाइल, उसने गलती से आपके नंबर पे 20 रुपए का रिचार्ज कर दिया। मेरे नंबर का? हाँ जी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब 20 रुपए मेरी तरफ, आपकी तरफ मेरे हैं। क्या करूँ मैं? मेरे से बात करो 20 रुपए की। आप बोल लो, सवाल करो, मैं जवाब देती हूँ। 20 रुपए मेरे गए हैं, बात आपको करनी है, आप भी उल्टा 40 ले रहे हो मेरे से। नंबर वकील हूँ। अब बोलो मेरे को क्या बात करनी? कुछ भी बात करिए, 19 रुपए बचे हैं अभी आपकी तरफ। घर के सब ठीक है आपके? घर पे सब ठीक है, 18 रुपए 50 पैसे। क्या करते हो आप? मैं यहाँ पे आपको बताया पटियाला हाउस में नंबर 1 वकील हूँ। भाई साहब वो घर पर सब ठीक है? सब ठीक है। अब आप कितने कितने रुपए रह गए हैं? कितने? 7 रुपए। 7 रुपए, जल्दी मेरे से बात करो, मेरे को भी जाना है। और घर पे तो सब ठीक ही? घर पे मैंने बता दिया 6.5 रुपए। कैसी रही आपकी दिवाली? दिवाली सही रही, नंबर 1 वकील है, दिवाली अच्छी नहीं होगी। 2 रुपए 2 रुपए, जल्दी बोलो मेरे को जाना भी है। एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आपकी कमर कितनी है, मतलब वेस्ट कितनी है? जीन्स पहनती हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। मैं इसलिए कह रहा था, मैं अपनी वाइफ के लिए जीन्स लेने जा रहा था, उसका नंबर 30 है वेस्ट, कहीं ऐसा ना हो आपके नंबर की जीन्स ले लूँ, उस चक्कर में 2 बार धोखा हो जाए। अब कौन हो आप? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना दिया नंबर 1, लेकिन 20 रुपए मैंने अपने वापस ले लिए। स्टार दबाएं, शुल्क लागू। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हेलो, हेलो, इज दैट मोंटी बली? हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी, एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में हुआ, एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश, एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी, और मुझे दिख रहा था कि यू नो वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया, और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए, तो ये बोल रहे हैं कि आप, मैडम आपकी गलती है। बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं, सो अनॉयिंग। आई अंडरस्टैंड आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू नो मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे। नहीं ये तो साले हम बहन, अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना बहन, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझ आ गई ना? मेरा नाम ले लो हर जगह, अभी अभी सही हो जाएगा, मेरी बात किए बिना सही हो जाएगा ना बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में ठीक हो जाना है, अभी अभी जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में बैंड साला, अभी आप बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे, आप प्लीज इनसे बात करिए मोंटी बल्ली जी से, बदतमीज। हेलो हेलो, हाँ जी
हाँ भाई बोलियो कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई। मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ, 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मैंने मेरे राम लखन बोलने हैं, हाथ चलेगा मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी, धाए धाए। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें, तेरी टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगे टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे, मैडम से बात कर, पैसे दे और तित्तर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुन, अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्यों बोल रहा? तेरे को बोल रहा ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तित्तर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे, उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर, चल चल तित्तर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है, डर लग रहा था ना, मोंटी बल्ली आएगा गिरफ्तार पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे, पूरी रजोकरी में किसी भी पूछ लियो मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? अरे ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। आप ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना, ये गाड़ी चलती वलती है नहीं, मैं समझाता हूँ, आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ मैंने समझा दिया इसको, मैंने इसको बड़ा सॉरी सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं, देखो आप उधर रो रहा है क्या? क्या आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ, 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली आप इन्हें और इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही है, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है, मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है, आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ आपका, पूरा मसला खत्म कर ले भाई, बात करो यहाँ से। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली। अरे आप, मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है, आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकलाना है दुनिया के सामने सारा, आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया। अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे, अभी भी घूर रहा है, कराओ मेरी बात कराओ। हेलो हेलो अंकल। हाँ जी अंकल, खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपका सामने, ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है, मैंने कहा चुप कर, हैं उनकी गलती कैसे होगी अंकल की, खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं, अब एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता। हाँ मोंटी बल्ली। अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है मेरे, बोले जा रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो मत करो, अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको, फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहां आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकलाना है उसका, कहीं गाड़ी छोड़ा मैंने उसको, आप टेंशन ना लो मोंटी बल्ली है ना, टेंशन ना लिया करो, ठीक है, अभी बात मत कराना, उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है। हेलो कपिल जी, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो कपिल जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? कपिल जी मैं गोविंद ओल्ड एज हाउस से बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे ड्रॉ होता है एंड आई एम सो हैप्पी, आपका 52 इंच कलर टीवी निकला है LED सर, तो मैं आपको बता देता हूँ सर, यहाँ पे 9 लोगों ने आपको नॉमिनेट किया था, आई डोंट नो आपका नंबर कहाँ से मिल गया उनको और नाम कहाँ से मिल गया, लेकिन आपको नॉमिनेट किया था सर, आपका 52 इंच का कलर टीवी निकला है सर, मुबारक हो सर। तो ये मेरा नाम किसने किया था? कोई 9 लोग हैं, इन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया। आर यू हैप्पी सर? 52 इंच कलर टेलीविजन, आप मार्केट में रेट पूछो पहले उसका। सर बिल्कुल सही सही बताइए कपिल जी, कैसा लग रहा है इस बार मेरे को? बिल्कुल सही सही सर, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं एकदम से कोई कहते हैं जो सडनली, मैं तो 52 इंच के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे 52 इंच मतलब अच्छा लग रहा है तो अपने आप में, जिसे कहते हैं फूला नहीं समा रहा हूं। नहीं नहीं मैं तो ये सोच रहा हूं, आपका तो टीवी निकला है, मैं सोच रहा हूँ जिसकी कार निकली है जी उस पे क्या बीत रही होगी, वो तो सर मुझसे भी ज्यादा खुश होगा। मैं ये कह रहा हूँ उस पे क्या बीत रही होगी ये सोचिए, मतलब समझे नहीं सर, क्या वो हार्ट अटैक हो गया होगा उसे? अरे नहीं 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 नहीं, उसे सुन के मतलब क्या बीत रही होगी उसको, कार आप जो है तो जो है मिली रही है उसे कार, उसे नहीं क्या बात? नहीं नहीं मिल थोड़ी रही है उसे, है जी उसे मिल थोड़ी रही है, तो कार नहीं है ड्रॉ में? नहीं नहीं कार तो निकली है ड्रॉ में उसकी, लेकिन वो देगा हमारे ओल्ड एज होम को ना, मतलब उसकी कार जो निकली है ड्रॉ में, उनको नॉमिनेट किया था 11 लोगों ने कि भाई इनसे कार लो, मतलब ये आप तो कह रहे टीवी निकला है? हाँ तो आपका निकला है टीवी, लेकिन आपको नॉमिनेट किया है कि आप ही दे सकते हैं, आप ही देंगे टीवी हमारे ओल्ड एज होम को ना, इसमें अभी स्कीम ये भी है कि आप टीवी तो देंगे ही देंगे, सेट टॉप बॉक्स भी आप ही लगवा रहे हैं, ये कुछ ये दिसंबर तक है सर सिर्फ, ऐसा ना हमारे घर में भी जो है वीकली होता है लेकिन ड्रॉ, अच्छा उसमें तेरा हेलीकॉप्टर निकला है, आप तो दे दे देगा। हेलो हेलो सनी जी से जरा बात करा दीजिए मेरी, बोल रहा हूँ सनी जी, कैसे हैं? ठीक, कौन?
मैं एस्केमेंट से बोल रहा हूँ सर, आप अभी दो दिन पहले जब आए थे सर, मैं बस ये जानना चाह रहा था मास्क कैसा आप कितना आप देख रहे हैं, क्या हाल है? बढ़िया, देख नहीं रहे, पूरा जहर सा बिजता पड़ा है, बाहर निकले कुछ दिखता ही नहीं बाहर को, बुरा हाल हो रहा है। क्यों फोन किया भाई? सर मैंने आपको इसलिए फोन किया था, मास्क यूज कर रहे हो सर आप? हाँ वो तो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है क्या नाम है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओहो, सांस प्रॉपर नहीं आ रही है? नहीं नहीं प्रॉपर नहीं आ रही है, और देखो मास्क उतार ही नहीं रहा हूँ, अब उतारूंगा तो फिर देखो ना ये सारा जहर लेके जाऊंगा अपने अंदर, क्या फायदा? सर ये पता, रबड़ के टुकड़े लगे हुए ना साइडों में, तो वो फंस जाते हैं जा। ना, नहीं वो फंसते होंगे। सनी जी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा सनी जी। क्यों क्या हो गया? आप जब कल आए थे ना हमारी दुकान पे तो मैं तो था नहीं जब आप ये मास्क लेके गए हैं, तो मेरा छोटा था सर सनी जी, मेरे को शौक है क्रिकेट खेलने का। अच्छा, जब आपने मास्क मांगा ना, ये मास्क ढूंढ रहा था, मास्क उस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर था क्योंकि पूरी दिल्ली मास्क लगा रही है, मास्क था नहीं, तो मेरे वो क्रिकेट की किट पड़ी थी, इसको वो एल गार्ड दिख गया, वो इसने गलती से एल गार्ड दे दिया, वो जो एल गार्ड लगाते हैं ना नीचे बॉल वॉल ना लग जाए, वो एल गार्ड नहीं लगाते नीचे व्हाइट कलर का जो बॉल ना लग जाए नीचे, ये मेरे से इतना थोड़ी गलती हो गई। नाम बता तू अपना, तो एल गार्ड लगा दिया, तो एल गार्ड दे दिया मेरे को। सर मेरा नाम, गोली मार दूंगा। नहीं मैं ये कह रहा था, नहीं भाई बता क्या बोल रहा तू ना, मतलब मास्क की जगह तू उन्होंने वो उठा के दे दिया। हां एल गार्ड लगा दिया, तो वो अभी आप उतार दो ना, मैं भेज दूंगा दुकान से। अबे तो मैं चार दिन से लगा के घूम रहा हूँ, हालत सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मैं कहूंगा तू परेशान हो रहा हूँ बैठ के, जब भी तो मैं कहूंगा साला इतना बड़ा पॉलिसी तो हो ही नहीं सकता, जब भी इतनी तेज बदबू आ रही है इसके अंदर। सर आई एम सॉरी, मैं तेरी क्या रहता है रोड आकर उसको पता नहीं क्या दे रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मैं तो फोन करके क्या क्या सॉरी किस वजह में सॉरी, अभी दिक्कत नहीं है जो कौन सा हेल्थ गार्ड है, कौन सा तुम दवाई के लिए मास्क लगा के सर, दिक्कत तो आपको भी नहीं है ना, आप भी तो लगा लिया ना आपने, तो मुझे क्या पता नए साल का है। सर आप गुस्सा कर रहे हो, आप इससे अच्छा क्रिकेट खेल लो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा साले के जरिए, आप तो तारूंगा बहन। नहीं सर आप गुस्सा कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ दिन क्रिकेट ही खेल लो। ये डॉलर बाजी मैं क्या, नहीं बिल्कुल साला दिमाग खराब है, एक उल्टी बात कर रहा है। सनी 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 रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं यार बात बताओ, मैं मैं माफी मांग रहा हूँ। सर रेडियो से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, देखिए ना बात सुनिए ना, आई नो, बट एक बात की बहुत खुशी है कि आप ये मास्क लगा रहे हैं, लगा के रखे, पोल्यूशन बहुत है हमारी दिल्ली में, प्लीज सांस लीजिए ताज़ा ताज़ा, और मैं आप नाराज लग रहे हैं आप, मैं आपसे कह रहा था कि मास्क लगा के मास्क लगा, अब मैं आपको नया मास्क भेजूंगा, लेकिन उसको उसको वहां मत लगा। हेलो हाँ जी सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर, गाड़ी आपकी जो आप देखे गए हो कल, हाँ जी बोलिए। हाँ ये आपकी गाड़ी में ना असल में सर ऊपर ना हमारे वॉशिंग मशीन रखी भी होती है, जिससे गाड़ी धोते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर हैंग करके रखते हैं, तो सर वो पूरी मशीन आपकी गाड़ी पे गिर गई, वो एक्चुअली चेन, पागल है क्या, कौन देगा इसके पैसे मुझे फोन करके? नहीं तो मैं सर आप मेरे से क्यों कह रहे हो, आप मेरे से क्यों कह रहे हो कि कौन देगा पैसे? तू स्पीकर फोन कर रहा है क्या, गाड़ी तेरे को भेजी है, तू बोल रहा तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर गाड़ी आपने दी है। बिल्कुल, और बच्चे का रिस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब आप तो गाड़ी देके गए हो हमें, और आप खुद ये मान रहे हो कि अगर गाड़ी वर्कशॉप को दी है तो वर्कशॉप रिस्पॉन्सिबल है, लोग अपना पढ़ाने के लिए बच्चा दे जाते हैं आपके स्कूल में, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर पहली बात तो गाड़ी और बच्चे में फर्क मालूम है आपको, गाड़ी पे अगर कोई चीज गिर जाती है ना तो गाड़ी को तकलीफ नहीं होती है। सॉरी बट ऐसे समझाना बड़ा जरूरी था, मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि आपका छोटा मोटा स्कूल है दिल्ली में, आप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल के अंदर कोई आकर घुसकर मार देता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं है? मालूम नहीं आपके पता नहीं खुद के बच्चे हैं या नहीं है, कहीं आप अपने बच्चे देकर आइए पढ़ने के लिए, और खुदा न खास उन बच्चों को हो जाए तो यही बात कहिएगा कि यार वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी थे, पढ़े लिखे इंसान। मैं आपको बता, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक स्कूल आप चला रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर स्कूल में बच्चों को कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं होता? आपको कैसा लगा था जब आपकी गाड़ी के बारे में मैंने बताया कि गाड़ी में नुकसान हो गया, मुझ पे चिल्ला रहे हैं आपके आप रिस्पॉन्सिबल हैं? सर जरा इस बारे में सोचिए कि एक इंसान अपना बच्चा देकर घर चला गया वापस, इस उम्मीद पर कि आप उसके बच्चे को पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात, उसे उसके जहन में ये आता है कि उस चार दीवारी में बहुत महफूज है, लेकिन अगर आप ही ये कहते रहेंगे तो सर कौन पढ़ा देगा आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में? हेलो, मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं आपका वक्त ले सकता हूँ या नहीं, बहरहाल मैंने फोन आपको इसलिए किया कि मुझे पता चला कि आपको भी शौक़ है लिखने का, और काफ़ी लिटरेचर पे काम कर चुके हैं सर आप,
कर चुका हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं अपने बारे में आपको पूरी तरह बताऊंगा। हमारी जिंदगी के सिलसिले जो हैं वो बड़ी पेचीदगियाँ हैं हमारी जिंदगी में। धीरे धीरे आपके पास खोलूंगा, लेकिन आपके पास वक्त हो तो मैं कुछ बताऊँ आपको। मैं अभी घर पे हूँ असल में, और घर पे काफी लोग भी हैं। किस सिलसिले में बात कर रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, मैं असल में मैं खुद लिटरेचर में हूँ, और मैं जुबानों की कदर करते हैं। अभी तो मैं घर पे हूँ, और मेरे वालिद साहब भी मेरे घर पे हैं। वालिद साहब हैं, मेरे दादा भी अभी हयात हैं, जिंदा हैं। वालदा है मेरी, मेरी अहलिया हैं, बच्चा है मेरा। तो मैं आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊंगा। लेकिन आप अपने मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा अपने बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात आई शुरू में और शुरू में। अरे, टूट गया। क्या टूट गया? कुछ नहीं, मेरे वालिद साहब का भरोसा टूट गया। अभी टूटा है वो, मेरी बीवी से कुछ कहा सुनी हो गई, उन्हें भरोसा था कभी बदतमीजी नहीं करेगी, तो अभी टूटा है बिल्कुल। उसको समेट के देखो, किसी के पैर में ना लगे, रख दो। बड़ी ही मुश्किलों से मैं इस मुकाम पे पहुंचा, और मुकाम पे आने के बाद असल में मैं घर से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। उसको कम्बल उड़ा दो, ठंड लगेगी रात में उसको, ठीक है, कम्बल उड़ा दो। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि आप रात हैं, और मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया है। बहरहाल ये है कि आपसे बताना बड़ा जरूरी था, तो मैं अपने बारे में आपको ये बता रहा था। जी, आप हंसे कम मेरी बात सुनिए। देखिए, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे घर में जो ये इस तरह की कुछ कमियाँ हैं, लेकिन क्या है भैया। गुड मॉर्निंग। हाँ, बड़ी देर से जागे। चलो, चलिए, आप मुंह धो लीजिए। कौन जाग गई? उम्मीद जाग गई। अभी मेरी वालदा की उम्मीद जागी है कि शायद अभी बहू जो है मेरी वाइफ हो, कहना माने या थोड़ा सा ख्याल रखे जी। तो अभी देखिए ना, कितना ताजुब है कि जमीर अभी सोया है और उम्मीद जाग गई। इतनी देर से उठे हो, नाश्ता खुद करो, चलो जल के। आपसे ये कह रहा था, ये अर्ज कर रहा था कि तो मैं असल में मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। देखिए, लेकिन मैंने खुद नहीं किया नाश्ता, और भूख इतनी तेज मुझे सुबह लग रही थी। क्या एक सेकंड, आप क्या हुआ? अल्लाह, क्या हुआ? मर गई। क्या मर गई? भूख मर गई, बिल्कुल अभी मरी है। पता चला कब हुआ? कब है? अभी 2.5 मिनट पहले। बस ये है कि देखिए, दुनिया में बस अपनी चीजें चल रही हैं। अपना ये है कि एक सेकंड, कौन? अच्छा, आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। कौन आ गया? आइडिया आ गया कि मैं अब बता दूं आपको कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। मैं मुर्गा बना रहा था, मैं मतलब ये देखा। हेलो, इज दैट मिस्टर नंदू? जी बोल रहा हूं। नंदू जी, मैं न्यूज से, और आई गॉट टू नो, मुझे पता चला कि आप भी पैनलिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। आज का मुकाबला जो है हमारा, वो आज हमारा सौभाग्य है कि कोहली हैं स्टूडियो में, और हम सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जितने सवाल होंगे, मेरे पैनलिस्ट भी हैं स्टूडियो में, तो आप चाहेंगे कि इस मुकाबले में, इस बातचीत में आप भी शामिल हों? अरे वाह। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लाइव होता है हमारा टेलीविजन का, जितना होता है न्यूज एंकरिंग जितनी होती है वो लाइव होती है। सो भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद लाइव ले लूंगा। हाँ, अरे वाह, कोहली जी से तो सवाल। हाँ, तो मैं बस यहीं पे ले रहा हूँ मैं। हाँ, आप लाइन पे रहिएगा। हाँ, नमस्कार, आज की शाम हमारे स्टूडियो की कोहली के नाम, और मैंने आपसे कहा था, अपने दर्शकों से कहा था कि कोहली से जितने सवाल करने हों, हमारी शान है कोहली, हमारी जान है कोहली, हमारे स्टूडियो में हमारा सौभाग्य कि कोहली आज होगा आमने सामने का मुकाबला। मैं चाहूंगा फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी हैं जो कोहली से बातचीत करना चाहते हैं। नारायणी जी, मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है कोहली को लेकर। देखिए, मैं जो कोहली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। नालिनी ने भी ये बताया कि कोहली जो कर रहे हैं उससे बहुत प्रभावित हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे सीनियर सिटीजन धीरज जी भी हैं। धीरज जी, आप क्या चाहते हैं कोहली से, और कोहली से कोई आपका सवाल? मेरा सौभाग्य है कि आज आपने कोहली के सामने बिठाया है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई जिस तरह ये काम कर रहे हैं, इस तरह ही काम करते रहे। मेरे बच्चे, मैं खुद बहुत बड़े फैन है, और आशा करते हैं कि आगे अच्छा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे दर्शक भी साथ होते हैं, दर्शकों से सब कुछ होता है। नंदू जो हमारे दर्शक हैं, वो कोहली से सीधा सवाल करना चाहते हैं। नंदू जी, मैं चाहता हूं कि कोहली से आप सीधा सवाल करें। नंदू जी, अगली आवाज आपकी होगी। कोहली से कुछ पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार कोहली जी,
मैं मेरा मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो अनुष्का शर्मा को लेकर आपका जो इतना वो मजाक वजाक उड़ाया जाता है मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप नहीं चले तब लोग कहते हैं अनुष्का शर्मा की वजह से नहीं चले, तो ये तो बड़ा हर्टिंग है, मतलब बड़ा दुख पहुंचता दिल को। धन्यवाद, लेकिन मेरे को नहीं लगता जैसे आपने पूछा कि अनुष्का शर्मा की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी, आई डोंट नो हर, लाइक मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। मतलब ये कैसे हो सकता है, आपका और अनुष्का का जो बीच में सबको ही पता है, मतलब जो था नहीं, मेरा कभी अनुष्का शर्मा से कभी कुछ नहीं रहा है। इनफैक्ट मेरी अभी जो लास्ट फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी मैं आपको कम दिखाऊंगा क्योंकि सलमान भाई मेन चेहरा थे। एक फिल्म आई थी मेरी जानी दुश्मन, जिसमें मुझे याद है कि मैं एक से, आप मेरी कोई फिल्म का गाना चला दीजिए, आई डोंट थिंक सो ये सही से समझे हैं। आजा नंदू जी, आपने गाना भी सुन लिया होगा, मैं दोबारा चाहता हूं कि आप अरमान कोहली से कोई सीधा सवाल करना चाहते हो तो आज सीधे सवाल में आपका स्वागत है। अरमान कोहली? हाँ जी, आज स्टूडियो में हमारे अरमान कोहली हैं और अरमान कोहली को हमने बुलाया, इनकी फिल्म आई थी जानी दुश्मन, प्रेम रतन धन पायो में ये कम नजर आए, लेकिन कोई सवाल आप करना चाहते हो अरमान कोहली से तो आपको सुन रहे हैं। कोहली जी, मतलब आपने बताएंगे करा क्या क्या, मैं थोड़ा सवाल अगर आपसे कुछ पूछ सकूं तो, मतलब थोड़ा बताएंगे क्या क्या आपने करा आज तक। आपको ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी, सीमा बोल रही हूँ। यस बोलिए। एनी, मुझे आपके ऑफिस से नंबर मिला था, आप मेरी सिर्फ बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने अभी किसी से भी दिल हल्का नहीं किया है, मैंने मुझे लगा मुझे आपसे करना चाहिए। मैं इन कमीनों की ना शक्ल नहीं देखना चाहती, लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हो गया ऐसा? मेरा बॉयफ्रेंड, आज के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी, मैं सही बता रही हूँ। मतलब कितने झूठे होते हैं ये, क्या सोचते हैं ये। क्या हुआ, उसने आपको कुछ मारा वारा मारा, नहीं है? मारा नहीं है, लेकिन इसकी कभी शक्ल नहीं देखनी है, मतलब झूठे, लायर लायर, इसके किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आज के बाद किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे। क्या वो किसी और से शादी कर रहा है? शादी नहीं कर रहा है, लेकिन आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगी, झूठा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपने उसको किसी और लड़की के साथ नहीं देखा? नहीं, उसने मुझे एक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, और इतना झूठा है, इतना झूठा है, 3 दिन पहले मुझसे कह रहा था मैं जा रहा हूँ किसी काम से जयपुर, 4 दिन में आऊंगा, कमीना यही था दिल्ली में। झूठे फरेब, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती इनकी नजर में, लड़कों की नजर में। कुत्ता झूठ बोलता है मोहब्बत में। हेलो हेलो, आप मत मिलने उससे, कमीना कुत्ता फीका। नहीं मिल रही, मैं बाद में फोन करूंगी। ओके। हेलो, हाय, दिस इज ऑटोमेटेड कॉल फ्रॉम यूएस हाई कमीशन। Congratulations, you have cleared the first round for your visa process. We will now transfer your call to our PR officer. Please stay online. We wish you good luck. Hello. Hello. जाओ अमरीका। Yes. अमरीका जाने से पहले बातचीत करनी जरूरी, बातचीत करो मो से। Hello. कब की रवानगी है? Sir, actually, मतलब I have just applied. And I want to talk. फारम तो मिल गया तुम्हारा, धर रहा हूँ मेरे सामने, अप्लाई किया है और कहाँ हो रहा है? I am good, but कपड़ा लत्ता तैयार कर लिए? सर कपड़ा लत्ता कर लिए तैयार? सर that is like जाड़ पड़ो तेज वहाँ पे, जाड़ो मोटा वो रख लियो साथ में, स्वेटर या फिर साल। ओके। बस्ता भी लेके जाओगी साथ में? क्या बस्ते? बैग्स तो सर उन्होंने बोला था कि आई कैन टेक फोर बैग्स। बावलो हो रहा है, चार धर रही है यहाँ, चार अमेरिका में 20 केजी बोला था मुझे। आप 20 किलो? अच्छा, वेट आप चेक करते हैं? वेट ना चेक करें, बात करें, वीजा आई ना चाहिए? पहली दफा जा रही हूँ अमरीका? यहाँ सर फर्स्ट टाइम। इससे पहले देखो ही ना है कभी? नो सर। अंग्रेजी बोले हैं वहाँ पे सब? I know, you know? सारी टेंसेस तो आती होंगे तुमसे? सारी टेंसेस? या, इसको बनाइयो, मेरे जाने से पहले वहाँ से ट्रेन जा चुकी थी, जरा सा बनाइयो, बना के दिखाइयो। क्या
ट्रेन पहले पहुंची ना स्टेशन. मेरे पहले पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी वहां से. देन आई रीच्ड स्टेशन, ट्रेन हैड लेफ्ट. अच्छा, मेरे वहां पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं, मुरादाबाद एक्सप्रेस निकल चुकी थी. देन आई रीच्ड स्टेशन, द रेलवे स्टेशन, तो मुरादाबाद एक्सप्रेस हैड लेफ्ट. और का का लेके जाओ, कोई ऐसा सामान तो ना है साथ में, जैसे परेशानी हो जाए. सरसों का तेल ना है? गुड़ ऑलिव ऑयल. गुड़ तो ना है, कोई ऐसी चीज तो ना है, लंबी गन्ना. सर वो तो आजकल मार्केट में नहीं. सर आई एम गोइंग टू यूएस, तो क्या दिन धरोगे वहाँ पे? सर अभी तो नहीं बता पाऊंगी, वो अभी बताना पड़ेगा. अमेरिका में किस जगह जा रही हो? आई एम गोइंग टू फ्लोरिडा टू माय सिस्टर. ये बताओ, अकेली धर रही हो? आर यू सिंगल? यस आई एम सिंगल. कमाल, मैं भी सिंगल हूँ. यहाँ का मतलब समझो क्या, हम दोनों ही बदसूरत हैं, खुद मिली ना रो. ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना पटना जा पहुंचेगा. धीरे मारियो थप्पड़. क्यों? हाजीपुर में काम है, वहां उतर जाएंगे. पटना ना जाना, मैं हाजीपुर में उतर जाऊंगा पहले. क्या हो रहा है, जब पूछ रहे जब भी समझ में ना आई. नबीद बोल रहे रेडियो मिर्ची से अमेरिका जाने में बैठे. ये बहुत बढ़िया बात लगी तुमसे. तुम्हारा कॉल आ जाएगा कल परसों, वहां को बता दियो सारी अमेरिका की बात. ठीक है, थैंक यू. ओके, ट्रैवल्स, हाउ मे आई हेल्प यू? कैन आई स्पीक टू जगदीश प्लीज? जगदीश तो है नहीं, हाउ कैन आई हेल्प यू? दिस इज विनोद. हमने जगदीश जी से ही आपकी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लिया था. वी वेंट टू कैलिफोर्निया यूएस, नाउ वी आर बैक. सर आपके आइटनरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं थी आइटनरी में, इनफैक्ट फ्लाइट भी ऑन टाइम थी. आई होप यू एंजॉयड योर टूर. एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा मजा आया. बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, हम बहुत ज्यादा परेशान भी थे, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया. व्हाट हैपेंड? तरुण, मेरा मूड यूं खराब है कि जब मैं यूएस गया था तो वहां पे एक दोस्त बन गया था मेरा, एंड्रयू नाम था उसका. तो मैं उससे पूछा था, एंड्रयू ये गूगल कब लॉन्च हुआ था? तो उसने मुझे बताया कि कैलिफोर्निया से ही लॉन्च हुआ था और 4 फरवरी 2004 में. उसके बाद एंड्रयू ने पूछा कि 4 फरवरी 2004 को आप लोग क्या कर रहे थे? तो मैंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान में ये डिसाइड कर रहे थे कि दलित की शादी ब्राह्मण से हो सकती है या नहीं. सडनली मुझे याद आया कि मैं ट्विटर भी यूज करता हूँ. मैंने पूछा उसे, मैंने कहा एंड्रयू ये ट्विटर कब लॉन्च हुआ था? तो ही सेड के ट्विटर 21 मार्च 2006 को लॉन्च हुआ था. फिर उसने पूछा कि 21 मार्च 2006 को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा तरुण हम अपने काम में बिजी थे, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, मतलब मुस्लिम ये चाह रहे थे कि हिंदू को मारें और हिंदू ये चाह रहे थे कि मुस्लिम को मारें, तो हम यहाँ थोड़े से बिजी थे. देन आई रियलाइज कि व्हाट्सएप कमाल की चीज है. आई आस्क्ड हिम एंड्रयू व्हाट्सएप कब लॉन्च हुआ था? ही सेड व्हाट्सएप 2010 फेब में लॉन्च हुआ था. तो उसने पूछा 2010 फेब को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम 2010 में आरक्षण पे लड़ रहे थे, पटरियां उखाड़ रहे थे, आग लगा रहे थे दुकानों को, तो हम वहां बिजी थे. फिर मुझे ये भी याद आया कि यार यही वो जगह है जहां से दुनिया का पहला इंसान चांद पे गया था. मैंने पूछा कब गया था? उसने कहा कि 12 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गया था. तो उसने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे थे 12 जुलाई 1969 को? हम चांद पे तो क्या जाते हैं, हम जमीन से ही बाहर नहीं निकले थे, हम लड़कियों को मार रहे थे उस टाइम पे, लड़की पैदा होती थी तो हम गला घूट देते थे, तो हमारे पास टाइम था ही नहीं ये सोचने का. मैंने उससे पूछा एंड्रयू अभी हाल फिलहाल में डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया था? उसने कहा यह 2014 मार्च में. तो उसने मुझसे पूछा आप इंडिया में क्या कर रहे थे 2014 मार्च में? मैंने कहा वहां पे ये डिसाइड कर रहे थे कि कितने मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, कितने हिंदुस्तान रह सकते हैं. यू नो एक कमाल की चीज है इंस्टाग्राम. तो मैंने उससे पूछ लिया कि इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था? ही सेड 2012 जून. फिर उसने मुझसे पूछा 2012 जून में आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम तो बहुत बिजी थे क्योंकि बहुत सारी चीजें बैन करानी थी हमें, तो हम इसी में लगे हुए थे कि ये भी बैन करना है, ये बैन नहीं करना है, तो हमारा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ इंस्टा की तरफ. मैंने उससे पूछा यार आप लोग आप डेवलप कंट्री हैं और सुपर पावर हैं, तो ये कब किया आपने? उसने बताया स्कूल टाइम से ही हम पढ़ रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री हैं और हम सुपर पावर हैं. तो उसने मुझसे पूछा स्कूल टाइम में आप क्या देख रहे थे? मैंने ये कहा कि हम ये देख रहे थे कि कौन सा मजहब ज्यादा बुरा है, कौन सा मजहब की ज्यादा बुराई करनी चाहिए. दिन मुझे याद आया गूगल लॉन्च हुआ. मैंने उससे पूछा एक बात बताइए गूगल का सीईओ कौन है? ही सेड सुंदर पिचाई. मुझे याद आया ये तो इंडिया से. मैंने पूछा आपका जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका सीईओ कौन है? उसने कहा मिस्टर नडेला. फिर मैंने कहा कि ये तो इंडिया से. देन मैंने उससे पूछा यार ये पेप्सिको का सीईओ कौन है? उसने कहा इंदिरा कृष्णमूर्ति. मैंने कहा यार ये तो इंडियन है. यू नो क्रेडिट कार्ड वहां हर इंसान की जेब में है. तो मैंने उससे पूछा यार ये जो मास्टर कार्ड है इसका सीईओ कौन है? उसने कहा अजय पाल सिंह बंगा. आई सेड ये तो इंडियन है. तो एंड्रयू ने मुझसे कहा यार एक बात बताओ ये सब यहां तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और यहां काम करते हैं ये और हंसी खुशी करते हैं, ये इंडिया में रह के आप सबको क्या हो जाता है? मैंने उसे समझाया कि यार ये तो प्रॉब्लम है हमारी कि इंडिया में रह के हमें क्या हो रहा है.
हाँ, जाते जब मैं वापस आ रहा था, मैं उसको ये वादा करवा के आया था कि सोचिए, हमारे तीन लोग आए हैं आपके पास और आपको चमका रखा है। अगर मजहब की बात छोड़ के हम अपने मुल्क की तरक्की पे लग जाएं तो सोचिए कहां से कहां पहुंचा दें। बस ये छोटे से ट्रिप से मैंने ये सीखा है, तो और कोशिश करेंगे जब अगली बार मैं जाऊं तो हम उनके बराबर नहीं, उनसे आगे खड़े हों, क्योंकि हम खड़े हो सकते हैं, है ना। मैं आरजे नवीद बोल रहा हूं, और आपके पैकेज ने काफी कुछ सिखा दिया मुझे, एंड आई एम सो सॉरी आपका काफी वक्त ले लिया मैंने। आई डोंट नो हम इन चीजों से कब निकलेंगे। बहुत जल्दी निकलेंगे और मुझे उम्मीद है इस चीज की, और इन चीजों को जब खत्म कर देंगे तो हम उनसे उनके बराबर नहीं, उनसे आगे खड़े हो जाएंगे हम। एंड थैंक यू सो मच, मैंने आपको सिर्फ इसी वजह से कॉल किया था कि लोगों को समझाने का तरीका मेरी समझ में नहीं आता इससे बेहतर, तो हो सकता है ऐसे समझ में आ जाए। हाँ, थैंक यू सो मच तरुण, और मैं कभी गया तो मैं आपसे जरूर पैकेज लूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, इज दिस मिस निहारिका? यस स्पीकिंग। या यू हैड अप्लाइड फॉर अ जॉब एट अ कंपनी? यस। या दिस कॉल इज रिगार्डिंग योर शॉर्टलिस्टिंग। यू've completed your personal interview and GD very well, and we've shortlisted you for the third round now. Oh wow, thank you. Yeah, so the third round is a telephonic interview with the CEO of the company, Mr. Singhania. Oh wow, but when is this? I'm not really prepared. It's just in the next 5 minutes, you're scheduled, and we're just going to begin. I hope you're ready. Okay, I'll try to be prepared. Yeah, so the next voice will be of Mr. Singhania, the CEO of company. Okay. Hello. Hello, sir. Yeah, hi. Niharika, right? Yes, sir. Niharika, please tell me something about yourself. Just a second, Niharika. Make sure, Niharika, क्योंकि बहुत busy schedule था मेरा और मुझे बताया, and congratulations, आपने दो rounds clear कर लिए हैं, right? एंड वी आर द कंपनी, हम वो कंपनी हैं जो बहुत ज़्यादा हम मतलब सारी चीज़ें देखने के बाद हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, राइट। सो मेक श्योर, अभी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, आपके फ़ोन में कोई कॉल वेटिंग तो नहीं है, उसको डीएक्टिवेट करिए, मैं किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता इस इंटरव्यू के दौरान, राइट। प्लीज़ मेक श्योर कमरे में कोई ना आए, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है इस टाइम पर, राइट। इज़ दैट ओके? आर यू कम्फर्टेबल? जस्ट अ सेक। वरुण, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ निहारिका के साथ, प्लीज़ बोलना, कोई इस वक्त डिस्टर्ब ना करे, इट विल टेक लाइक 15 मिनट्स। या निहारिका, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाँ सर, तो मैंने अभी ये जॉब अप्लाई किया है क्योंकि मैंने आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है, और ये जॉब भी बहुत अच्छा है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि कैसे भी करके मेरा क्लियर हो जाए ये राउंड। वन सेकेंड, जस्ट होगा, ये कौन, किसका मोबाइल है जो मैसेज का बीप आ रहा है उसमें, टिक करके आवाज आई है मेरे को। Can't you see interview is going on? मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। I'm so sorry. Yeah, tell me. Yeah. Yes, sir. तो मैं ये कह रही थी कि हम आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी कंपनी के बारे में बहुत पढ़ा है, तो I'm really hoping कि मेरा ये हो जाए। मैं इसी जॉब के लिए वेट कर रही थी क्योंकि ये मेरी ड्रीम कंपनी है। और Excuse me, sir. Just a second, यार, का my PA is there. Yeah. Yes, sir. Why are you disturbing me? Sir, really sorry to... No. Why are you disturbing me? आप देख रहे हो ना, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। Sir, I understand, but emergency थी sir. नहीं, कितना emergency था कि आपको suddenly आना पड़ गया? Sir, I'm really sorry, but बाहर JCB की खुदाई चल रही है sir. Is it? Yeah, sir. In fact, I think सिर्फ 5 minutes के लिए available है वो JCB. Shit. यार का, I'm so sorry. Can you make it fast? आप तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए, please. हाँ sir, तो मैं यही कह रही थी कि आपकी कंपनी मेरे लिए ड्रीम कंपनी है, मैं इतने सालों से वेट कर रही हूं। प्लीज मेक इट फास्ट। या प्लीज, या यस सर, सो लाइक आई वाज सेइंग, यू हैव टू सी माय रेज्यूमे, आई बिलीव योर एचआर हैज टोल्ड यू, मेक इट फास्ट प्लीज। यस सर, सो आई थिंक आई एम द परफेक्ट फिट फॉर दिस रोल। आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे लग रहा है सर जेसीबी की खुदाई बंद होने वाली है सर। Oh my god. Niharika, I'm so sorry. Let's talk some other time. Abhi JCB ko sir, I think please, haan sir, jaldi karna chahiye hame. In fact, maine bhi khud dekha tha sir, OCB company ke bhi jo CEO hain, woh wahan pahunche hue the sir. Oh my god, keechad bahar sari nikal di usne. Puri mitti nikal di usne. Mujhe lag raha hai agar main thoda bhi aur late kiya sir, so we might miss JCB. To woh andar khudai usne kari thi? Haan sir, JCB ki khudai chal rahi hai. Photo photo liye. Sir, time hi nahi hai main aapko disturb karne aa gaya. Are nahi, koi disturb ki baat nahi, tum pehle bataye the mere ko. Abhi ja to nahi raha hai wo. Sir, bas I'm really sorry sir. I think time nikal raha hai sir. Nahi, covid time, usko roko yaar. Usse kaho hamare CEO sahab aa rahe hain, unhone nahi dekha hai. उनको बोलो यार, सीओ साहब आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, जेसीबी खुदाई चल रही है इस वक्त, तो मुर्गा भी नहीं बनाता मैं, जब जेसीबी खुदाई होती है मैं मुर्गा भी छोड़ देता हूं।
निहारिका निहारिका आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो में जैसे नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे भी जाना है जैसे भी। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं आपके दो मिनट लेना चाहूंगा। सर जैसे कि हमारी कंपनी ने, मैं जानता हूँ सर इस वक्त आप बिजी होंगे, हमारी कंपनी ने एक ऐप निकाला है सर, ये डाउनलोड कर लीजिए तो आपका इसमें बहुत फायदा है। नहीं करना भैया, नहीं करना डाउनलोड। सर मैं आपको सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर, आई नो आप थोड़ा सा इसमें माइंड करेंगे सर, ये कमाल का ऐप है और हमारे कुछ ही कस्टमर है जिनके हम ये ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। फ्री है क्या, मतलब पे करना फ्री है? कुछ पे नहीं करना सर, एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी सर। कमाल का फीचर है ये, ने अभी लॉन्च किया, इसमें सिर्फ सर हम गिने चुने 50 कस्टमर्स को देंगे। पता क्या होता है, आप लोग डलवा देते हो बाद में ना, हिडन चार्जेस बहुत नहीं, होते नहीं हैं। सर आई प्रॉमिस सर, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसमें, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप एक साल तक भी यूज कर सकते हो सर, मोबाइल का ये ऐप है यार इसमें। अच्छा चलो ये बताओ इसमें क्या मतलब है, क्या ये ऐप किस बारे में? सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें कमाल का ऐप है सर, ये हम ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे आप, और सर मान के चलिए आपने एक दिन में एक घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाया, अच्छा तो मोबाइल में से आवाज आएगी, मालिक जिंदा हो या चल बसे। ये कह रही है भाई। सर ये आप हमारे आरजे नवीद ने बनाई है सर, मैं नवीद। समझ गया सर बिल्कुल समझ गया सर। सर थैंक यू सो मच। हेलो ए प्रीति, हाय। हेलो हेलो, ओ आपके सिग्नल जा रहे थे। प्रीति यू मस्ट हैव गॉट द नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक रिगार्डिंग। प्रीति आपने जो फोटो डाला है अभी मॉर्निंग में, हाँ हाँ, उस पे लाइक का नोटिफिकेशन आया होगा, देखिए शरत के नाम से। ओ ओके थैंक यू। गलती से दब गया था मेरे से, वो टच है ना मोबाइल तो दब जाता है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, यू नो एटिकेट्स होते हैं कि बता देना चाहिए। सो प्रीति It was by mistake. तो ठीक है कोई बात नहीं, लाइक हो गया तो नहीं, बट गलती से हुआ है ना, मैं अनलाइक कर रहा हूँ अभी। अगर हो गया है तो देन लीव इट ना, छोड़ दो, मतलब गलती से हुआ है ना, गलती से, दिस इज तो बहुत गलत है ना, मतलब गलती से हो गया है। हो गया, इट्स फाइन, आई एम ओके विद इट। नो नो अनलॉक नहीं, यू आर ओके बट आई एम नॉट ओके विद इट ना, वो गलती से हुआ, टच की वजह से हुआ है। आपको कॉल करने से पहले मैंने सोचा भी, मैंने कहा यार रहने दो लाइक, मगर कोई मेरे को वजह नहीं मिली लाइक रखने की। नहीं इतनी अच्छी पिक्चर है, आपको रीजन आप ऐसे क्यों ढूंढ रहे हो? खैर मेरे पास टाइम भी कम है। अरे तुम पागल हो गए, मतलब अब तुमने कर दिया है लाइक तो उसके बाद में इतना क्यों रोना रो रहे हो, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे लाइक से कुछ हो जाएगा? अरे मेरे पास 50 लाइक आते हैं दिन भर में, तो 50 में से 49 रख लो ना, मैं अनलाइक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा मैं लाइक। ऐसे कैसे नहीं करोगे लाइक, लाइक तो करना पड़ेगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। एक शर्त पे करूंगा मैं लाइक, क्या? पहले मेरे पेज पे जाओ, आरजे नवेद के पेज पे, वहाँ जितने मुर्गे उसको लाइक करो आप। हेलो, हाँ जी, हाँ जी कबीर, हाँ जी हाँ जी कबीर, हेलो कबीर, थोड़ा मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, मैं ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है तो मैं काम करता हूँ, मैं मैनेज भी करता हूँ काफी स्टार्स को, मेरे को पता चला था आप सिंगिंग करते हो, आप गाने गाते हो? हाँ पाजी। पंजाबी गाते हो आप या हिंदी नॉर्मल गाने गाते हो आप? दोनों गा लेते हैं पाजी, दोनों गा। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ऐसा है कॉन्सर्ट करा रहे हैं हम जिसमें काफी बड़े बड़े स्टार हैं, तो जस्सी गिल उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। अरे अच्छा, तो इत्तेफाक की बात, देखो परवाली की बात, जस्सी पाजी अभी साथ में बैठे हुए हैं स्टूडियो में, तो वो कह रहे थे मैं भी बात कर लेता हूँ कबीर से। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जस्सी पाजी से बात करो, जस्सी जी वो ये लड़का है वो बता रहे थे ना कबीर जिसके बारे में आपको बताया था, तो ये बता तो रहे हैं कि मैं अच्छा सिंगिंग कर लेता हूँ, तो हम सोचे स्टेज पे अगर आपके सामने आए, वो कैलिबर होना चाहिए ना बंदे में। सुनाइए थोड़ा आवाज सुना दे। पंजाबी गाना है, हिंदी गाना है? आप जैसे भाजी इनसे पंजाबी गवाए या हिंदी गवाए, आपको जो जो आपको सही लगे वो गाना गाओ। इंग्लिश आता है, इंग्लिश पूछ लो। अबे भाई पंजाबी सुना दो, पंजाबी सुना दो, हिंदी सुना दो। ओ खड़का जा तू मेरे या भाई केड़े या भाई केड़े पाओ कर दो उन्नी केस्तरी सानू कर दे क्रिएट शूटरी ता टेस्टरी। कबीर कबीर माइंड मत करना, मेरे को लग रहा है आप ना वो, खैर जैसी भाजी तो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, आप ना गैप नहीं दे रहे हो, आप जल्दी जल्दी घोड़े पे बैठ गए, मतलब जल्दी जा ये थे जाओ थे, गैप दो ना थोड़ा थोड़ा सांस लेगा, थोड़ा गैप दो, फिर से आओ गैप दो थोड़ा। अच्छा जिन्हे मेरा दिल लुटिया, गैप दो ना, आप गैप दो, आप भाग कहाँ रहे हो यार, आपसे ज्यादा मतलब आप जैसी बाजी से भी जल्दी, चलो गैप दो, दोबारा आओ। सखिया ने मैनू जिन्हे मार दिया, गैप खामोश, गैप आने दो, आगे शुरू करो। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो।
रंग गुलाबी शाम गुलाबी। गैप गैप यार, भाग कर रहे हो, आराम से यार सांस लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम जैसी पाजी के साथ आपका ये शो रखवाते हैं, हाँ जी हाँ जी, आप सिर्फ गैप गैप दे दो हमें, गैप का क्या चार्ज करोगे सर? गैप गैप, हाँ जैसे जैसी पाजी गा रहे हैं, नहीं नहीं जैसी पाजी गा रहे हैं, गैप आप दे रहे हो तो मैं आपका गैप ट्राई कर लेता हूँ। गैप देना, एक लंबा गैप देना। अच्छा दे रहा जैसी पाजी, गैप अच्छा दे रहा, गैप अच्छा। आप गैप गैप का बताओ मेरे को क्या चार्ज करोगे सर? मैं तो बस छोटा कलाकार हूँ, अभी शुरू किया है, जो आपको ठीक लगे सर। हाँ अब सुनो, आप बड़े कलाकार आप तो जब ही हो गए थे जब आप जस्सी पाजी से बात कर रहे थे, क्योंकि जस्सी गिल से कोई बात कर ले और वो बड़ा सिंगर ना बन जाए ऐसे तो हो नहीं सकता। और दूसरी बात सुनो, सिंगर के साथ साथ आप एक चीज और बन गए हो कबीर, तुम रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गए हो, और हम ना कोशिश कर रहे थे कि आपका कॉन्सर्ट करा। कबीर भाई तुम बहुत प्यारे इंसान हो। और सुनो ऑनेस्टली, जैसी भाई ने सही कहा है यार, तुम गाना अच्छा गा रहे हो और प्रैक्टिस करो तो इनके साथ कॉन्सर्ट। गाना अच्छा गा रहे हो पर जब गाते हो तो यूट्यूब से ना अभी लिरिक्स आते हैं हर गाने के, वो सुन लिया करो ध्यान से ना, वहाँ पढ़ के फिर गाया करो साथ में, इजी हो जाएगा ना। एक काम करो, चलो जाते जाते जस्सी पाजी का एक गाना सुनाओ कोई, अब तो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, तुम एक बार एक लाइन सुनो जस्सी भाई को, उसके बाद रिपीट करना जस्सी भाई, हो जाएगा हिंदुस्तान के, सुनो ध्यान से। एनरिके द हीरो सुन सुन के तेनू करना प्यार सिखदा, मुंडा जट्टा दा नी उबलिए तेरे करके गिटार सिखदा, नी मुंडा जट्टा दा नी उबलिए तेरे करके गिटार सिखदा। कबीर इस गाने को प्रैक्टिस करना, सुबह नहाने में, रात को सोने के बाद, हर वक्त करते रहो और जल्दी कॉन्सर्ट में बुलाएंगे। गॉड ब्लेस यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये जिसका मुर्गा बना रहा हूँ ना मैंने सुना है इसके मम्मी पापा भर गए, मैं लड़का है और आजकल गर्लफ्रेंड को साथ में रखता है घर पे, अकेला घर गर्लफ्रेंड साथ में। हेलो हेलो, वो कौन बोल रहे बेटा? अनुभव। हाँ जी मैं अनुभव बोल रहा हूँ, आप कौन? अनुभव कहाँ हो बेटे? मैं अच्छा, मेरे ख्याल से बताया नहीं आपके पापा ने? नहीं मैं नहीं पहचाना। हाँ नहीं नहीं आप पहचानोगे नहीं, मैं असल में पापा और मेरे पापा गए हुए हैं ना बाहर कहीं, मम्मी पापा। हाँ जी हाँ जी। कब आ रहे हैं वापस? कब आ रहे हैं वो? अगले वीक आएंगे, मतलब अगले वीक आ रहे। अच्छा बेटा, मेरा जरूरी एक काम था, मेरी बात हुई थी आपके पापा से, वो कह रहे थे कि आप घर से ले लेना, तो बेटा जरा दरवाजा खोलोगे? बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं मेन गेट पे। मेन गेट पे? आप हमारे घर पे? आप मैं बेटा तुम्हारे घर पे हूँ, जरा दरवाजा खोलो। अंकल अभी अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ। तो बेटा मैंने तो लैंडलाइन पे किया है फोन। ये भी सही कह रहे हो आप शाम को ले लेना अंकल, शाम को। बेटा मैं फिर निकल जाऊंगा ना, जल्दी निकल जाऊंगा, मेरे पापा से, तेरे पापा से बात हो गई थी, वो कह रहा था आप घर से उठा लो, आप दरवाजा तो खोलो, मैं मेरे को पता है वो पेपर कहाँ रखे है ना। आप पहुंच गए? आप मतलब आ गए? मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ठीक है? आप देख लो कोई। अरे जल्दी करो ना, आप जल्दी करो, फिर मैं पापा को फोन करूँ, पूछूं कहाँ रखे पेपर, आप दरवाजे खोलो। एक आप देख लो ना कोई 5-10 मिनट का, आपको मार्केट में कोई काम हो। मैं एक बारी थोड़ा ना अभी मतलब वॉशरूम में था अंकल, 5-10 मिनट में अगर कोई काम हो आप देख लो। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप कर लो वॉशरूम कर लो, देख लो ना आप कोई मतलब। बेटा आप वॉशरूम कर लो, मैं यार वॉशरूम बाद में कर लेना, मेरे को जरूरी काम है, वरना मैं पापा को फोन कर रहा हूँ आपके, वो बता देंगे कैसे कहाँ से लेना है। अंकल मैं खोलता हूँ, मैं एक बारी ना। हाँ मैं खोलता हूँ। हाँ खोलो, मैं बाहर हूँ। ये दरवाजा ना यार हमारा खराब हो रखा है, कई दिनों से ना ही अटक जाता है कभी कभी। यार कमाल है आप, पता नहीं क्या आपके पापा हैं, अब जरूरी कागजात है यार उसमें अंदर। मैं भिजवाऊंगा अंकल, मैं भिजवा दूंगा, कहाँ भिजवाने बताओ। नहीं मेरे को अभी लेके जाने हैं ना, मेरे को लेके जाने हैं अंकल, दरवाजा तो नहीं खुल रहा। एक सेकेंड, देखो पापा का फोन भी आ गया। अरे पापा से मैं हेलो भाई कहाँ है तू? अरे वो बेटा अंदर है, कह रहा है अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा, कुछ प्रॉब्लम है, कारपेट के नीचे एक्स्ट्रा चाबी है। ठीक है फिर मैं तेरे को शाम में फोन करता हूँ, ठीक है? चल ठीक है, ओके बाय। हेलो बेटा आप परेशान मत हो, पापा ने बता दिया कारपेट के नीचे, बाहर जो कारपेट है ना इसमें एक्स्ट्रा चाबी है, मैं खोल रहा हूँ बेटा। चाबी नीचे रख दो, मैं आराम से बोलूँ।
अंकल चाबी नीचे रख दो अंकल, मैं दे जाऊंगा आपको पेपर आपके, मैं दे जाऊंगा। अरे यार बहुत लेट हो जाऊंगा, खुल भी रहा है देखो ये पीछे देखो। अरे सुन नहीं तेरे को, बात नहीं समझ आ रही तेरे को, चाबी नीचे रख अंकल, चाबी नीचे रख दो, समझ नहीं आ रही तेरे को, चाबी नीचे रख दे, चला जाए यहाँ से, चाबी नीचे रख दे, मैं तेरे अंदर मत घुस जाइयो तो यहाँ पर, ठीक है समझ आ गई तेरे को, चाबी नीचे रख, चाबी नीचे रख, कागज हो गए तेरी भयंक का अंकल, अंकल हाँ जी अंकल, अंकल सॉरी सॉरी फॉर मिसबिहेविंग अंकल, कोई बात नहीं है, लेकिन ये खुल रहा है ना ये तो देखिए। अरे मेरे को समझ नहीं आ रही क्या, चाबी नीचे रख दे, चाबी नीचे रख दे, तेरी मेरी बात सुन, जो अगली गली है ना उसमें जो सेकंड फ्लोर है उधर चले जाएगा, ये नहीं है भाई। हेलो भाई मैं तो ढूंढूंगा, लेकिन सुन ना ये मैं तेरे को बता दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, बस तेरे को ये बताने के लिए फोन किया था, कारपेट के नीचे ऐसे चाबी मत रखा करो, ये हानिकारक हो सकता है, अभी हो रहा था ना, ठीक है, मुर्गा बना रहे थे, देख शक्ल देख पा रहा है अपनी। मम्मी पापा कब आ रहे हैं। किसी का प्यार परवान चढ़ जाए और उसकी शामत आए तो फिर उसका मुर्गा बनाते हैं। अभी जिसको कॉल कर रहा हूँ मैं, इसका बनेगा मुर्गा, ये अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले गया था महीनों पहले, अब वापस आ गए, अब इसका मुर्गा बनाएंगे। और किसी का भी मुर्गा बनाना है सबसे आसान, सबसे सच्चा और सबसे अच्छा तरीका, इंस्टा पे आइए, आरजे नवेद को फॉलो करिए, आपका नंबर आएगा, अब इसका आ गया, देखिए। हेलो हाय हाय मधुर। हाँ मधुर बोल रहा हूँ। मधुर मैं नूपुर की फ्रेंड बोल रही हूँ। हाय हाउ आर यू। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ मधुर, क्योंकि मेरी हाँ I don't know मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन नूपुर बहुत परेशान है। क्या हुआ उसे, ये फोन ही नहीं उठा रही वो, मैं फोन कर रहा हूँ तो। I know वो नहीं उठाएगी, वो नहीं बात करेगी मेरे साथ ही है, मैं उसके ही घर में हूँ। क्या हो गया उसको मधुर। हाँ मैं नूपुर को लेके गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर पास क्यों। क्योंकि टेस्ट कराया है। टेस्ट पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है। रिजल्ट पॉजिटिव है। हेलो हाँ जी सुन रहा हूँ। क्या हो गया ये, मैं तो नशे में भी नहीं था सब कुछ, मतलब मैंने मतलब मैं उसको मना भी किया था, एक बार मेरी बात करा दो यार उससे, वो जल्दी मैं जब से फोन कर रहा हूँ प्लीज। सही में पॉजिटिव है। पॉजिटिव आया है, घर पे भी बता दिया है उसने अपने पापा। अरे क्या बात कर रहे हो। पापा को भी बता दिया है। ओह अरे एक बार मेरी बात तो कराओ उससे आप। वो सुन रही है, स्पीकर फोन पे हूँ मैं, नहीं बोल रही। हेलो नूपुर। वो सुन रही है। नूपुर चला जाऊ मैं घूमने, जेंटिव लेके मस्ती करने, फंस गया ना। पापा आ गए, नूपुर के पापा आ गए, एक सेकंड। नमस्ते अंकल। हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते, क्या है ये, क्या है। पॉजिटिव है रिजल्ट अंकल। मैं आप सच बता रहा हूँ अंकल, मैं अपनी कसम खा रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं अंकल। मैं रिजल्ट पॉजिटिव कह रहा हूँ अंकल। मैं भी शादी की हाँ कह रहा हूँ, पर लेकिन ये सारा हुआ कैसे पॉजिटिव अंकल। बहुत लोगों का हो रहा है, इसका भी पॉजिटिव है डेंगू। अभी मैंने पढ़ रहा था ये रिजल्ट, ये कॉपी लेके ये टेस्ट करवाने गई थी डेंगू का, तो मैंने कहा इधर देखो इधर लाओ, कहती पॉजिटिव है डेंगू। अच्छा डेंगू हुआ है। डेंगू हुआ है, सब कुछ सही हो जाएगी, गोली दो दवा सब कुछ सही हो जाएगी, डेंगू ही तो है। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। जी सुनो ठीक अंकल। सुनो रेडियो मिर्च से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, देख रहा था कितना पॉजिटिव आया, तो मैं हेलो भाई मेरी बात सुन यार, मेरे को मुझे तेरा नंबर अंशुल ने दिया था, अंशुल में मीटिंग में बैठा है, और मैं अंशुल का दोस्त बोल रहा हूँ भाई। हुआ ये है कि मुझे ना गोवा जाना है अपनी बंदी के साथ, और पंगा ये हो गया कि पापा को शक हो गया है, तो अंशुल ने ना मुझे तेरा नंबर दे दिया, वो मीटिंग में मैं बात नहीं कर सकता, प्लीज पापा आ रहे हैं उनको संभाल लियो। अरे लेकिन ये तो पूछो, ये तो बताओ कब जाना है गोवा। भाई प्लीज बता ले अभी, पर मैं सब बता दूंगा भाई, अभी के लिए प्लीज सिचुएशन संभाल ले, प्लीज संभाल ले भाई, पापा के पापा के भाई प्लीज संभाल ले। हां छोड़ो, फोन इधर दे। हेलो हेलो ना बेटा।
नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, वो हमारा ना प्लान बन रहा था गोवा जाने का। तो हम लोग चार दोस्त हैं और हम सब यहाँ से गोवा जाएंगे अंकल। चार दोस्त? ये तो तीन बोल रहा था कल कि तीन दोस्त जा रहे हैं। वो एक अंकल वहीं पे मिलेगा हमको ना, गोवा पे मिलेगा। हाँ, गोवा में मिलेगा। कब जा रहे हो? तो हम लोग अंकल वही न्यू ईयर वगैरह का प्लान है हमारा। हमने कहा गोवा का प्लान बन रहा था काफी वक्त से। तो कितने दिन के लिए जाओगे? चार दिन अंकल, चार दिन के लिए जाएंगे। ये तो सात दिन बोले हैं इसने। वो अंकल उसका शायद सात दिन का प्लान होगा। ऐसा हो सकता है। क्या करना है वहाँ जाके? करना क्या है वहाँ जाके? वही न्यू ईयर का पार्टी होती है। फ्रेंड सारे काफी वक्त से प्लान बना रहे थे, तो जब बन गया तो हमने कहा चलो चलते मजे करेंगे, थोड़ा डांस वांस कर लेंगे। फ्लाइट कितने बजे की है? फ्लाइट अंकल वही 11 बजे की है रात की। तो तुम्हारी होगी, ये तो ट्रेन से जा रहा है। हाँ तो अंकल वो वही ना, ये अलग जा रहे हैं, ये और बाकी मेरे दो दोस्त अलग जा रहे हैं, मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, मेरे को जरा थोड़ा काम भी है। तो लड़कियाँ कितनी जा रही हैं साथ में? अंकल लड़कियाँ तो नहीं जा रही हैं। इसने तो बताया सिस्टर है आपके वहाँ पे। तो वो गोवा में ही है ना, मतलब वो वहीं पे हैं। कहाँ पे हैं? गोवा में ही रहते हैं वो और मेरे जीजा जी ना, उनका अपना काम है गोवा। और अंकल साउथ गोवा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नहीं तो ये इतना दूर दूर क्यों ठहर रहे हो? क्योंकि ये तो नॉर्थ गोवा में रुक रहा है। वो अंकल स्कूटी से हम लोग उधर चल नॉर्थ गोवा निकल लेंगे ना, पहले साउथ गोवा घूम के। अच्छा मतलब तुम साउथ से नॉर्थ गोवा आया करोगे इससे मिलने, और ये नॉर्थ से साउथ गोवा जाएगा स्कूटी चलाने के चक्कर में। हाँ हाँ अंकल, स्कूटी का वहाँ पे है थोड़ा। बेटा ये कसीनो में पैसे तो लुटा के नहीं आ रहे ना? नहीं नहीं अंकल, मैं बिल्कुल नहीं। तो इसने क्यों पोकर चिप्स खरीद रखे हैं? कह रहा वही एंजॉय करने। अंकल इसीलिए तो जा रहा हूँ, ये इस पे नजर रखनी है ना उसको। नजर रखना बेटा, वैसे आजकल कम लड़के ऐसे मिलते हैं, मेरे को खुशी हुई आपसे मिलके। नहीं नहीं बिल्कुल अंकल, बहुत मेरे को भी बहुत अच्छा लगा अंकल। क्या नाम है अंकुर तुम्हारा? अंकुर। अंकुर बेटा, अच्छे दोस्त आजकल कम मिलते हैं, और आजकल कहाँ, मतलब मैं तो ये सोच रहा था इससे कहाँ कोई बात करता है जिसपे इतने क्रिमिनल केस लगे हों। मतलब आप ये लगा लो इसका फ़ोन तक रिसीव नहीं करते। वो होता क्या ना, इसका फ़ोन रिसीव करते हैं वो पुलिस वाले ट्रैक कर लेते हैं। मतलब कई तो चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट के, दौड़ रहे हैं, ये है उनके माँ बाप ने निकाल दिया घर से। पर अब ऐसा है, इस चीज में ना थोड़ा बदलाव लाओ। इस बार गोवा का प्लान बन गया तो गोवा हो गया हो यार, जाओ। हेलो, क्या? हाँ बोल रहा हूँ। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कुछ कंप्लेनेंट बैठे, तुम उनके कंप्लेंट ही नहीं लेते। सर मेरा वीकली ऑफ था। थानेदार के लिए कोई वीकली ऑफ नहीं होता। यस सर, मैं अभी पहुँचता हूँ सर। तुम कहाँ पर हो? सर मैं अभी यहीं पे गोल्फ क्लब पे हूँ सर, 15 मिनट में पहुँचता हूँ वहाँ पे। गोल्फ क्लब से गंगापुर पुलिस स्टेशन 15 मिनट? सर बस यूनिफॉर्म करके 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा सर। कितनी देर में यूनिफॉर्म लगा लेते तुम? सर 2-3 मिनट में सर। तुम्हें ट्रेनिंग में नहीं बताया कि 1 मिनट में यूनिफॉर्म लगाना चाहिए? यस सर। कितना टाइम लगना चाहिए फिर? सर 1.5 से 2 मिनट तक सर, इंक्लूडिंग शूज एंड। ट्रेनिंग अपनी भूल चुके हो तुम, मुझे लगता है तुम्हें हेडक्वार्टर में ले जाकर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मुझे। मैं सर बस रूम के बाहर निकल रहा हूँ। ट्रेनिंग ऐसी है कि ऐसे बात करते करते भी बंदा जो पुलिस ऑफिसर है वो यूनिफॉर्म लगा के गाड़ी में बैठा होता है फिर भी बात चल रही होती है। सर चालू हो गया। फोन पे ही बात कर रहे हो अभी? कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो नहीं? हाँ करता हूँ सर। क्या? सर मैं ये गोल्फ क्लब का जो ये है जॉगिंग ट्रैक है, 2 चक्कर रोज मार लेता हूँ सर। ऐसा तो नहीं सीपी ने कहते ना, पुलिस ऑफिसर को सीपी ने बोला तुम्हारा पेट बढ़ रहा और तुम सब एक्सरसाइज किया करो कुछ, वो उसने बोला यहाँ हजूर मैंने पुलिस स्टेशन में कैरम बोर्ड रख दिया है। नहीं सर, जल्दी कर जो भी करना है, सुबह रेडियो मिर्ची जरूर सुन लेना, समझ गए? हेलो सर। हाँ सर, दिस इज भूषण रेडियो मिर्ची। सर सीपी सर आज रेडियो मिर्ची मध्ये आले आहेत, त्यांना आम्ही कोणाचा तरी मुर्गा करायला सांगितलं, त्यांनी तुमचा नंबर निवडला। आज काफी किस्मत वाला। हॅलो, इज दॅट मिथुल? येस मिथुल, हाय, आय एम कॉलिंग फ्रॉम होटल। हाय, आप आ रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ जी, मेरी बुकिंग है। कौन सा डेट? डेट आपने बताया 15th को है। 15th, ओके। हाँ जी, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भी है क्या आपकी? हाँ जी, जी मैंने बताया था सब कुछ कॉल पे कि वो बेड सिंगल बेड होना चाहिए मेरे को, थोड़ा सा वो डबल बेड जो होता है वो बेड चाहिए,
अच्छा, और बेड जुड़ा हुआ हो वो सिंगल सिंगल एक नहीं चलेगा बेड? नहीं नहीं, सिंगल सिंगल का तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो डबल बेड जो होता है बड़ा वाला बेड वो डबल बेड। हाँ, और मैंने कुछ और भी रिक्वेस्ट की थी, वो एक्चुअली वो जो होते हैं ना वो टावल जो होता है वो टावल से जो बना देते हो आप लोग, वो जो दिल बनाते हो टावल से, वो होना चाहिए उसमें, और वो ऐसे वो डक जो होते हैं वो उस तरह का डक होना चाहिए। और स्मोकिंग रूम, हाँ स्मोकिंग रूम का क्या हुआ, स्मोकिंग रूम मिल रहा है मेरे को? स्मोकिंग रूम मिल रहा है क्या? ये तो आप बताओगे ना, मैंने बोला स्मोकिंग रूम के लिए मेरे को चाहिए स्मोकिंग रूम। स्मोकिंग रूम ओके, और मैंने कहा था मेरे रूम में बार भी होना चाहिए, जो मिनी बार जो होता है वो भी। कितना कितने दिन के लिए है? मेरा 3 nights और 2 days की बुकिंग है मेरी। 3 nights, आपकी फ्रेंड साथ में आ रही है? जी आ रही है। और कोई आ रहा है घर में से? घर से मतलब और कोई आ रहा है फैमिली में से आपकी? फैमिली में से क्यों आएंगे भाई साहब, मेरी फ्रेंड आ रही है साथ में। नहीं फैमिली में से और पापा आ रहे हैं? पापा पापा क्यों आएंगे भैया, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा था पापा आ रहे हैं तो मैं भी मिल लेता एक बार। कौन बोल रहे हैं आप? मैं होटल से बोल रहा हूँ। हाँ तो पापा क्यों आएंगे मेरे, कैसी बात कर रहे हो जब मैं कह रहा हूँ? नहीं मैं मिल लेता ना उनसे, मैं मिल लेता ना उनसे। एक जमाना हो गया मिले हुए। कौन बोल रहे हो आप? मैं बेटा तुम्हारे पापा का ही पार्टनर हूँ, हमने एक जमाने में काम किया था साथ में, तो आप तो मिले हुए बहुत टाइम हो गया ही योगेश को। आप तो बोल रहे थे होटल से बोल रहे हो? तो होटल से बोल रहा हूँ, मेरा रूम है बेटा यहाँ पे 524, इसी होटल से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ ठहरा हुआ हूँ। सॉरी अंकल, मेरे को फ्रेंड का पता नहीं था, कौन फ्रेंड कौन है साथ में? हेलो फ्रेंडली अंकल, वो दूर की दीदी है मेरी, वो रहती है ना जयपुर रहती है, वो आ रही हैं। जयपुर रहती हैं, दिल्ली आ रही हैं? हाँ तो हाँ वो दिल्ली आ रही है, उनको दिल्ली घुमा रहा था मैं, तो मैंने कहा दिल्ली में आ रही हैं तो आप दिल्ली घूम लो। हाँ? दीदी वो तो अच्छा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया, मेरे स्मोकिंग रूम मांग रहे थे अंकल। वो अंकल वो आपको पूजा के लिए चाहिए था मेरे को, वो पूजा के लिए अंकल, वो पूजा वो जो करते हैं हम आरती, वो वाली पूजा जो हम धूप जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती वो जलती है वो होटल के रूम में, तो फिर वो फायर का वो जाता है, अलार्म बज जाता है, तो इसके लिए मेरे को स्मोकिंग रूम चाहिए ताकि उसमें मैं पूजा कर सकूं, तो मैं तो उसके लिए मांग रहा था। मैं यार भगवान का शुक्र है, मैं तो मिनी बार जब आप कह रहे थे मेरे को तो बड़ा